Australian government has clearly said those who do not meet genuine student requirement will not be granted a student visa. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Smart Migrant Academy. रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसके अंदर दे हैव मैंशनड अबाउट चेंजेस इन इंग्लिश रिक्वायरमेंट एंड जेन्यून स्टूडेंट रिक्वायरमेंट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है जो मोस्टली हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना बट हाँ उससे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबा देना सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इंग्लिश रिक्वायरमेंट फॉर टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीजा सब क्लास फोर एट फाइव वो वीजा है जो आप अपने बैचलर्स एंड मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करते हो टू गेट अ वर्क परमिट ऑफ अराउंड एटीन गवर्नमेंट विल इंक्रीज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड फॉर ग्रेजुएट वीजा फ्रॉम आयल 6.0 टू 6.5, पॉइंट फाइव विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ फाइव पॉइंट फाइव इन ईच कॉम्पोनेंट ऑफ टेस्ट इंक्लूडिंग रीडिंग बेसिकली इसका मतलब यह है कि पहले जो रिक्वायरमेंट थी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करने की वो 6.03 बट अब उसको बढ़ा के 6.5 कर दी है लेकिन आपको टेस्ट के हर कॉम्पोनेंट में जो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग होता है एटलीस्ट उसमें 5.5 आपके आने चाहिए Plus, the government will decrease the English test validity for graduate visa from three years to one year. मतलब पहले जो आप English test देते थे वो तीन साल के लिए valid था. Please note, मैं graduate visa की बात कर रहा हूँ, student visa की नहीं. तो graduate visa में पहले जो English test तीन साल के लिए valid थे, अब उसको कम करके सिर्फ एक साल की validity रखी हुई है. Now let's talk about student visa. The government will increase the minimum score required for student visa from IELTS 5.5.

रिसेंटली न्यूज में आया था कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कुछ कॉलेजेस बंद कर दिए हैं एंड कुछ यूनिवर्सिटीज पे लीगल एक्शन डॉजी प्रैक्टिस सो प्लीज मेक श्योर कि अब आप जिस यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो दे शुड बी रिलायबल अदरवाइज वो आपके एप्लीकेशन पर इफेक्ट करेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इजनुन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है

अगर ऐसा नहीं है तो आपको वीजा ग्रांट नहीं होगा क्योंकि पहले बहुत से लोगों ने ऐसा करा है कि ऑस्ट्रेलिया में एंट्री लेने के लिए वो कोई भी कोर्स किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लेते थे लेकिन पढ़ते नहीं थे तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने वो बंद करने का फैसला किया है एंड आपका वीजा डिसीजन डिपेंड करेगा आपके बैकग्राउंड पे लाइक like आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन क्या रही है आप कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से कोर्स के लिए आप पढ़ने आ रहे हो एंड वो कोर्स करने के बाद आपका करियर कैसे प्रोग्रेस करेगा तो जब आप ये सारी डिटेल सबमिट करोगे तब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप जेन्युन स्टूडेंट हो या नहीं देन उसके अकॉर्डिंग आपका स्टूडेंट वीजा ग्रांट होगा बट अभी स्ट्रेस नहीं क्योंकि ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये इम्प्लीमेंट हुआ कमिटमेंट डेट के बाद जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है जैसे ही वो रिलीज होगी तभी मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा बट उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपडेट रहने के लिए एंड हाँ अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट करना आई ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम सी सीआर